ਇਹ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਭਿਦਾ ਗੁਪਤਾ ਜਿਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਭਿਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਭਿਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ अभिदा ने दस्या है कि ओ इस पेपर दी तैयारी पिछले 1.5 साल तो कर रही सी अते लगातार जी जान दे नाल तैयारी कर रही सी ते हुण अभिदा ने पहला रैंक हासिल कर लिया है। मेरे लिए तो मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ये एग्ज़ाम एंड आई बिलीव मैं ये क्लियर भी सिर्फ इस करके कर पाई बिकॉज मेरे लिए मेरे पास बहुत अच्छी गाइडेंस थी। मेरे मेंटर जीपी सर उन्होंने मतलब फर्स्ट डे से मेरे साथ इतना काम किया, उन्होंने मेरी हर वीकनेस हर स्ट्रेंथ पे फोकस किया और मेरे को बताया कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ और वो उनकी वजह से है कि मैं आज रैंक 1 पे हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं जज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बन जाती बट ये जो रैंक मैं लेकर आ पाई हूँ वो उनकी वजह से है। तो आपने कब सोचा था कि मैंने इस एग्ज़ाम देना है, इस प्लानिंग के मतलब मेरे को हमेशा से पता था मेरे को लॉ करना है बिकॉज मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पे सब लॉयर्स हैं जजेस हैं तो मेरे को ये पता था लॉ करना है बट ये कभी भी नहीं डिसाइड किया था कि लॉ में आगे क्या करना है। ये था कि मैं जब कॉलेज गई तो मेरे डैड ने मेरे को कहा कि मेरे कहने पर तू एक अटैम्प्ट दे के देख ले कि मेरा सपना है कि तू जुडिशल ऑफिसर बने। तो फिर मैंने भी देखा, मैं इंस्पायर हुई और बहुत सारे लोगों से, मेरे खुद के मासी यहाँ पर जज हैं तो मेरे को लगा था कि एज अ फीमेल वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं लाइफ में, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो मैंने कहा कि एक बार ही सिर्फ उस वजह से पेपर दे के देख लेती हूँ। तो आपकी फैमिली में कौन क्या करते हैं? मेरे खुद के मॉम शीज़ अ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लुधियाना में ही, मेरे एक मामू प्रैक्टिस करते हैं लुधियाना में, एक मेरे मामू ADJ हैं चंडीगढ़ में एंड मेरे नानू खुद रिटायर हुए थे एज ADJ। तो इस करके मतलब मैंने बैकग्राउंड ये देखा है कि जजेस हैं लॉयर्स हैं आसपास। तो प्रैक्टिस कैसे करते हो? काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन रहता है तो कैसे करते हैं? मतलब मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीज़ रहती थी कि आपने ना अकेले बैठ के नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है साथ में 10 बच्चों को लेके बैठ के पढ़ना है। वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता था, बच्चों के बीच में कंपटीशन है बट वो हेल्दी वाला है कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो साथ में 10 बच्चों को लेके आगे बढ़ूँगा। हमारे सर का ये बिलीव था कि तुमने जो भी करना है ना 10 बच्चों को साथ लेके कराओ क्योंकि अगर अकेले पढ़ोगे ना तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा तुम क्या गलत पढ़ रहे हो क्या सही पढ़ रहे हो। तो सर हमेशा से ये करते थे कि बच्चों का ग्रुप बनाते थे, उन्हें बताते थे तुम ये ऐसे पढ़ो, एक बच्चा कुछ पढ़ाता था एक बच्चा कुछ पढ़ाता था एंड आई थिंक वो ही एक चीज़ है जो सर का एक सक्सेस रेट इतना हाई रखता है। तो कितना टाइम देते थे आप? वहाँ पे कोई टाइम नहीं है, सर बोलते थे सुबह 9 बजे आओ रात के चाहे 12 बजे तक बैठे रहो। सर हमें खाना खिलाते थे चाय पिलाते थे और ज़बरदस्ती मतलब हम मना भी करते थे कि सर नहीं हमने खा लिया है बट वहाँ पे ऐसे घर वाला माहौल था, बैठते करते थे हम सर के साथ बैठे रहते थे पूरा पूरा दिन, बस डिस्कशंस होती थी। तो ऐसे कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि हमने इतने से इतने घंटे पढ़ना है ये करना है वो करना है, बस सब कुछ चलता रहता था वहाँ। मतलब कई बार होता था कि कोई क्वेश्चंस हैं जो सर और मैं हम इकट्ठे डिस्कस करके नहीं कर पा रहे तो मैं मम्मा से पूछती थी, फिर मैं सर को बताती थी कि मम्मा ने ये कहा, फिर मैं मामू से या मासी से कभी पूछती थी तो ये चलता रहता था। सर अपने कलीग से पूछते थे, अपने सारे फ्रेंड से पूछते थे तो वहाँ पे मतलब ये डिस्कशन वाला माहौल तो हमेशा रहता है। तो कब आपने ये तैयारी शुरू की? मैंने ये तैयारी लास्ट ईयर जुलाई में शुरू की थी एंड पूरा 1 साल हो गया तैयारी के बाद बस। तो कब ये एग्ज़ाम दे, नोटिफिकेशन कब आया? कब इसकी नोटिफिकेशन? आई थिंक जनवरी में आ गई थी एंड इसका इंटरव्यू 30th सितंबर को था, लास्ट मंथ। तो अभी आप तक नहीं, तो क्या अभी प्लानिंग किया है आपने तो फ्यूचर को लेकर, तो कैसे आपका लाइफ टर्न रहेगा, तो क्या आपको मोटिव आगे फैसले सोचे लोगों की सोच होती है समाज के प्रति, वो क्या लेकर आया? मेरे लिए तो सबसे, जब मैं सर के पास फर्स्ट डे गई थी तो सर ने एक ओथ दिलवाते हैं हमें, ओथ ऑफ इंटेग्रिटी, और मेरे फैमिली में भी यही वैल्यूज़ रही हैं कि जो भी करना है इंटेग्रिटी के साथ करना है। तो मेरा बस ये एम है कि मैं जस्टिस करूं, मैं सर्व करूं सोसाइटी को बट इंटेग्रिटी के साथ, बिना कुछ गलत किए कभी भी। तो जो आपके सपोर्ट भी ऐसे आपके जूनियर्स हैं जो साथ पढ़ रहे हैं उनको क्या देखना चाहेंगी
आपकी जो एग्ज़ाम दे रही हैं एडवोकेट है किस और अन्य को क्या कहते हैं? मेरा एक बिलीफ है कि मतलब अगर पेपर क्लियर करना है ना तो विदाउट फियर जाना है, क्योंकि अगर हम ना बहुत डर लेके जाते हैं पेपर में कि पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, सर हमें ये कहते हैं क्या हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी रुक जाएगी, लगी नहीं अभी तनख्वाह, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तनख्वाह लग जाएगी, तो किस डर से जा रहे हो, नहीं होगा तो और बहुत चीज़ें हैं, तो आई बिलीव बिना डर के जाना सबसे बड़ी चीज़ है। एक क्वेश्चन हो रहा है, हमारे यहाँ पे काफ़ी केसेस होते हैं, प्रेशर बहुत है, जलसे रहता है, तो प्रेशर कैसे टैकल करने के लिए, क्योंकि इतने केसेस हैं, जज कम है, केसेस बहुत हैं, पॉपुलेशन इतनी है, उसके लिए आई बिलीव मतलब हमारा गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट, कोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, जजेस बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा भी मतलब इस सब के अलावा भी आई बिलीव पर्सनली बहुत स्ट्रेस हो जाता है जजेस पे, तो आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर, कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी अपने पेट्स के साथ हैंग आउट कर लिया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ बैठ गए ऑफिस के बाद, उन सब के साथ बैलेंस रहे कि सिर्फ काम काम नहीं, काम के साथ साथ अपनी हेल्थ, क्योंकि तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे सोसाइटी के लिए, वी आर हेल्दी। हाँ जी, एंड में बस सबके लिए ये कि वट एवर यू एम डू इट विद फुल जील एंड एंथुजियाज्म, एंड उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए सक्सीड होने के लिए।